क्या चाह रहे आदमी, बोलने वाला हूँ ना क्या आपको घर में बैठ कर डराने वाला हूँ ना? आपका ये भाई, आपका ये बेटा मुसलसिल तौर पर बीजेपी के आंख में आंख मिला करके लड़ रहा, उनसे मुकाबला कर रहा, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा। मैं आपसे इंसाफ मांगने आया हूं। आज आपके बीच में पूरे हिंदुस्तान भर में बड़े बड़े नेशनल चैनल्स में डिबेट कर रहा हूं, बीजेपी और आरएसएस का मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं। अम्मा आपसे पूछने आया हूं। आज लोगों को पूछो तो बोलते नहीं, पूरे औरतें मैडम के साथ हैं, मैडम के साथ हैं बोल रहे हैं। क्यों साथ हैं मैडम के? क्या करें मैडम? हिजाब के बारे में मुंह नहीं खोल रहे, और औरतें हमारी बहनें, हमारी माएं, उनके साथ रहते हैं। जो औरत अपनी हिजाब के बारे में नहीं बात कर सकती, आज इलेक्शन में आके 2000 रुपए महीना 2000 एक घर को देते गए, वो भी जीते तो एक दो बातें आपको जरा बोल रहा हूँ, ये बातें जरा गौर से सुनिए आप। आज आपके बीच में, आपके सामने कांग्रेस वालों को सवाल पूछता हूं मैं। ये 2000 का गारंटी कार्ड आप ले रहे हैं, वोटर आईडी का नंबर ले रहे हैं, YICX नंबर होना, आधार कार्ड का जरक्स लो बोल के हमारे औरतों को, मासूम बहनों को, माओ को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस वालों को मैं आप यहाँ के आपके सामने बोलना चाह रहा हूं, ये झूठे वायदे चलने वाले नहीं, हमारी माओ और बहनों के साथ धोखा मत करो। जो एमएलए साहेबा हैं वो एक औरत, ऐसे मामलात मुसलमानों को पेश आ रहे हैं, मुसलमानों को ऐसे ऐसे बड़े बड़े सवालात हैं। महतरमा ऐसे मामले में एक भी लफ्ज असेंबली में, बेंगलुरु के अंदर असेंबली में, या घर को गए क्या बोलते हैं, बेंगलुरु गए मैडम बोलते ना, असेंबली में जाकर एक भी लफ्ज अगर बात करे हैं इन मामलात पर, मिल्ली मामले में मुसलमानों के लिए एक लफ्ज भी अगर बात करे हैं, तो आपका ये भाई नासिर हुसैन उस्ताद यहां ऐलान कर रहा है, आपको जबान देके जा रहा है, मैं इलेक्शन नहीं ठहरता। खामोश, कुछ भी बात करने का नहीं। 5 साल में एक बार बात करे उन्होंने, क्या बात करे? 3 लाइन कन्नड़ा में, गुत्थेदारों के लिए, गुत्थेदारों की गुत्थेदारी नहीं चल रही। हमारे को पेपर देख के ऐसा, अब हमारे नुसरत बेगम मैडम तकरीर दिए 10 मिनट, क्या पेपर पकड़े थे हाथ में? लाइन पढ़ने के लिए 30 घंटा कर रहे हैं उन्होंने। मुसलमानों के ऐसे हालात में मैं आपके बीच में पूछने आ रहा हूं मां, कांग्रेस जितने झूठ बोल बोल कर कोई उम्मीद ही मत रखे उनके ऊपर, इससे पहले क्या करे? 1000 रुपए लिए, अबे 2000 का कार्ड दे रहे ना, इससे पहले 1000 रुपए GDA का एक एक प्लॉट देते हैं बोल के। हमारे औरतें, हमारी माएं, बहनें, आई अम्मा प्लॉट मिल रहा करते, 1000 में प्लॉट मिल रहा करते, लाइन लगा को हजारों लाइन लगा के दिए। थोड़े उसमें शनाख्त करना, झूठे कौन है और सच्चे कौन है? झूठा कब तक झूठ बोले तो यकीन करते? एक बार मैं झूठ बोल के जाऊंगा, दूसरी बार झूठ बोलूंगा। 40 साल से झूठ ही बोल रहे हो और 40 साल से एक ही नीच कर रहे हैं आप। ये एक घर की औरत को 2000 दे तुम बोल रहे, हमारी पार्टी आई तो 5000 रुपए देने का वादा कर रहा है। 5000 रुपए का शहर के अंदर कम से कम 3000 औरतों को घर बैठे रोजगार मिले, सर का प्रोग्राम मैं करके देता हूं इंशाल्लाह, ताकत दियो। 40 साल से उनको दे रहे आप इंशाल्लाह। मैं आप आपके आपके मोहल्ला का आप मसला बोले पानी का, अब कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो के 18 महीने हुआ, बॉडी अभी तक नहीं बनी, बोरिंग डालने की जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन की है, कॉर्पोरेशन पे कब्जा किसका है? ये आपके मोहतरमा का है। पानी की तकलीफ सबसे ज्यादा किसको होती है? 2 बार इलेक्शन हार कर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, फिर भी आपके बीच में है उनकी। अगर मैडम MLA है, आप लोगों के बीच में कभी आए ये गली में?
और बहुत सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के थ्रू, आप लोगों को एक ऐसी एक कोई एक लेडी उठ के बताओ कि मैडम के थ्रू मेरे को ये काम हुआ, मैडम ये स्कीम लाकर मेरे को दिए। शादी भाग्य स्कीम है, अन्ना भाग्य स्कीम है, वो स्कीम्स आप क्यों याद आ रहे, वो भी इलेक्शन से पहले। और जो उनके वादे हैं झूठे वादे हैं टोटली, और जो डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट करे वो टोटली इलीगल है, वो कौन क्या भी ये नहीं है। जब उनकी हुकूमत आती, जब वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आप लोगों को हर चीज़ देने का वादा है, जब हमारी हुकूमत, अब मैं MLA ठहरूँ, मैं पावर में नहीं आई, तो आप लोगों के डॉक्यूमेंट मेरे क्या काम में आते। जब मेरे काम, जब मैं MLA बनूंगी, जब आप लोगों के लिए कुछ करना है, तो वो डॉक्यूमेंट्स मेरे काम में आते। हम पावर में नहीं है तो आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे काम में आते। वो ऑलरेडी वो लेके वो कांग्रेस BJP मिले भी है, क्या है वो हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे खुद की लड़ाई है। ये हमारे को गुंगा बहरा एक कठपुतली की तरह MLA नहीं होना है, हमारे को बोलने वाला MLA होना चाहिए, हमारे हिजाब की रक्षा करने वाला MLA होना चाहिए, हमारे मस्जिदों की जो लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करो बोल रहे वो आवाज़ जैसी थी हमेशा वैसे ही कायम रखने वाला लीडर चाहिए। आपका लीडर, आपका कायद, आपकी रक्षा करने वाला, आपके सुख दुख में हर चीज़ में काम आने वाले आपके सामने है। अब आप उनको भारी अक्सरियत से जिताना है। आप जीतने से हारने से इलेक्शन लड़ने से पहले भी आपके बीच में आकर बैठे हैं, तो इंशाल्लाह जीतने के बाद भी आप लोगों के बीच में आएंगे। आप जिस तरह से आए ना, आप लोग बुलाइए सर, आप हमारे एरिया में आए थे, हमारे एरिया इंशाल्लाह आप साजिद कल्याणी भी आपके एरिया के कॉर्पोरेटर भी आते, उन आप लोग उनसे भी इंट्रोड्यूस करो, उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर लो, आप डायरेक्ट उन लोगों को कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नासिर सर भी जाने से पहले आप लोगों को खुद उनका नंबर देंगे, आप लोग उनका नंबर भी रख लो। अल्लाह है कि आप लोग सोच बनाइए, और आपके जो भी रिलेशन है, रिश्तेदार हैं, फ्रेंड सर्कल है, जो भी है, ये झूठे वादों में मत पड़िए। अगर 2000 देना ही है तो अब प्रेजेंट MLA है दियो बोलो, अगर वादे करना चाहे तो वादों को पहले निभाओ बोलो। अब 5 साल में आप लोग देखे भी होंगे क्या काम कर रहे। महबस की मस्जिद का मामला था, कौन आए वहाँ पर, हनुमान 40 साल पढ़ातू बोले, अजान की स्पीकर की लॉट स्पीकर कम करो बोले, ये होने वाली बातें हैं। 5 साल तक मोहतरमा के साथ था, उसके बाद मैंने मोहतरमा का साथ छोड़ दिया। वो इस वजह से कि मैंने मोहतरमा से हर वो बात पे बहस की, हर वो वक्त मुझे मोहतरमा ने वादा किया, मुझे आपको नहीं, मुझे वादा किया। मैंने कहा कि वो माए बहने आज भूखी हैं, आप आइए भाभी यहाँ पे उन लोगों को कुछ पहुँचाएंगे। वो कहने लगे मैं कैसे आऊँ, इम्तियाज गुलबर्गा मेरे बच्चे हैं, मेरे पोतरे हैं, मेरे पोतरियाँ हैं, मैं कैसे आऊँ। उसके बाद इनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, ये फ़ोन करी थी तो वो बोली मैं नहीं आती। लॉकडाउन में आप लोग कैसे भूखे रहे वो आपको मालूम है, ये बच्चों को कैसा दूध नहीं मिला आपको मालूम है। उस वक्त मैं उनसे बहस कर बैठा कि अगर आप आज नहीं आओगी तो आगे कैसा होगी वो देखेंगे। लोगों को दवाखानों में इंजेक्शन नहीं था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था। आपके खरीफ के दवाखानों में जितने जनाजे उठे हैं वो आपको मेरे से अच्छा मालूम है। बहुत लोग कहते हैं हम लॉकडाउन में बाहर थे, मैं तो किसी को देखा नहीं, हम कुछ आदमी बाहर थे उस दौरान। लेकिन मोहतरमा को ये ख्याल नहीं, किसी वक्त में शादी भाग्य एक स्कीम थी खास करके खवातीन के लिए, वो पिछले 5 साल पहले कट गई, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। अरे नहीं, बच्चे जहाँ आए वहाँ बोलते हैं, आवाज़ उठाने वाला नहीं था। जब कभी जुल्म हुआ, अभी अभी मेरे भाई ने बताया अलंग के केस में, मैं ये पूछता हूँ मेरी 56 साल उम्र में मैंने कभी 9 औरतों को जेल जाते हुए नहीं देखा, खास करके बुरखा नशीन और खातीन गई नहीं कभी। लेकिन पूछने वाला कौन है? आप में एक बात आएगी, अब एक औरत उठ के ठहरेगी आपको बोलेगी मैं गारंटी कार्ड अगला नहीं चाहिए, तेरा पिछला कार्ड ले आ जो तू 5 साल या हुकूमत करी है, वो कार्ड दिखाएगी तो फिर अगले 5 साल की बात करें। और पिछले 40 साल से आप लोगों ने देखा है कि आप यहाँ पर बहुत से सीनियर सिटीजन भी हैं, माँ बहन, आप लोगों को तो मालूम है, आप लोग एक ज़माने से एक लीडर को देख वोट डालते थे। मेरे हिसाब से कोई पार्टी वार्टी नहीं देखते थे, सिर्फ खमरू इस्लाम को देखते थे, उससे पहले मोहम्मद अली साहब को देखते थे, वोट डालते थे। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ये बार खासकर आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, नौजवान बच्चे, शहर के नौजवान बच्चे, आप लोग हम फेसबुक व्हाट्सअप वो चैनलों पे वो बहुत जो नहीं रहते, शहर के पूरे नौजवान, शहर के काम धंधा करने वाले, ऑटो वाले, रिक्शे वाले, आज पूरे शहर के मुसलमान, दलित, लिंगायत पूरे लोग नासिर हुसैन उस्ताद के साथ हैं। और स्टेट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं नासिर हुसैन उस्ताद, आज कर्नाटक गुलबर्गा शहर के नहीं, स्टेट के माइनॉरिटी के मुसलमानों के सदर भी रह चुके हैं।
तो ऐसे लीडर को लाना जरूरी है कि जो पढ़ा लिखा हो, जो आपके लिए लड़ सके, कि आपके बच्चों के फलाबूदी के लिए, शहर के मुसलमानों के लिए, शहर के दलितों के लिए काम कर सके, वैसे हमारा हमारे लीडर होना है। क्योंकि कोरोना में 2 साल आप देख चुके हैं गुलबर्गे के अंदर, कोरोना में 2 साल कई लोगों के इंतकाल हो गए, कई लोग हॉस्पिटल में परेशान थे, कोई आने वाला नहीं था, पूछने वाला था, देखने वाला नहीं था। वैसे टाइम के अंदर हमारे गुलबर्गा शहर के MLA जो है बेंगलुरु में थे, कोई भी फ़ोन करे तो अरे मैं बेंगलुरु में हूँ, मैं नहीं आ सकते, मैं कैसा हूँ, वो ये बोल को आए ही नहीं। 2 साल मुसलमान परेशान थे, MSK मिल के 2-3 हज़ार टू व्हीलर पकड़ को अंदर डाल दिए। कई यहाँ से भी फ़ोन आते थे, नासिर साहब मेरी गाड़ी पकड़ी गई, तेरी गाड़ी पकड़ी। तो हर मसले, हर चीज़ का एक ही, हर मसले का एक ही है, एक ही रिजल्ट है, वो है हमारे को हमारा लीडर, लड़ने वाला लीडर होना, बोलने वाला लीडर होना। और पूरे स्कीम, जितने भी स्कीम थे, शर्मा शक्ति के स्कीम थे 25-25 हज़ार के, यहाँ पर इतने लोग हैं, बताओ मेरे को कितने लोग हैं शर्मा शक्ति के, स्कीम लिए 25-25 हज़ार के, मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं मिले होंगे, एक मिलेगी, दो मिलेगी, वो भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे कई नमूने के स्कीम है, तो कई नमूने के स्कीम गवर्नमेंट में लाने वाला होना है हमारे को। अगर ये MLA बनेंगे तो इंशाल्लाह आप एरिया का कॉर्पोरेटर, तो आपका कॉर्पोरेटर साजिद कल्याणी जैसे शायद, तो कॉर्पोरेटर भी आपका है, MLA भी आपका रहा, तो ये एरिया में सबसे ज़्यादा काम आप लोगों को आना है। और नासिर उस्ताद गवर्नमेंट के साथ साथ उनकी एक सोच है गुलबर्गे के, हमारे खवातीन लोगों, खवातीन के वास्ते खास करके उनकी सोच है, यहाँ पर एक 3,000-4,000 खवातीन के लिए उन्होंने यहाँ उनको एक इंडस्ट्री के सर का कारोबार डालकर उनको वहीं रोजी रोटी, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री से काम आते हैं, जैसा फुट्टा बनाना है, डब्बे बनाना है, जैसा सिलवाई कर देना है, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बात कर यहाँ पर एक आप लोगों के लिए एक जरिया बना कर देना, आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ना, ये इनका खुद का एक प्लान है। लड़कियों के लिए यहाँ पर PUC फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर गुलबर्गे के अंदर एक भी लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, खासकर लड़कियों के लिए, वो भी नासिर उस्ताद सोच रहे हैं। और वो कैंप में 1 रुपया किसी से भी नहीं लिया, मैं शायद आपका एक जीरोक्स जो पेपर लगाया हुआ होगा, 10 रुपये लेके भी काम नहीं किया। अब लास्ट टाइम पर भी हम दरगाह के पास हिजाब डिस्ट्रीब्यूशन करें क्या बोल के हमारी पार्टी की तरफ से, मैं ऑलरेडी केस चल रहा था कोर्ट में, मैं नासिर भाई को बात किया, भैया ऐसा ऐसा करना बोल के बोल रहा हूँ, आपकी इजाज़त है क्या पार्टी के, बता। अरे कर मियाँ, कोई भी नहीं करे, तू कर, मैं हूँ साथ में, देखेंगे कौन क्या करता, देखेंगे, ऐसा आदमी है बोलने के लिए। MLA कांग्रेस के 127 कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स, सुनिए जरा ध्यान से, इनमें से कौन एक जना हिजाब डिस्ट्रीब्यूशन करा बताइए। हम भाई देना बोल के मकसद नहीं था हमारा, हमारा काम क्या था, हम प्रमोट करते हैं हिजाब को, हम हिजाब को छोड़ के दे रहे थे, बोल के हम काम किए।